केजरीवाल को जमीन मद नीति दुर्नीति मामलें गिरफ हो जेल में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमीन। लोकसभा निर्वाचन में प्रचार पर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जून 1 तारीख पर्यंत अंतरण जमीन प्रदान करिसेंति सुप्रीम कोर्ट। जून 2 तारीख में आत्मसमर्पण पर निर्देश देते सुप्रीम कोर्टर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्तों खंडपीठ। केजरीवाल को आवेदन शुणा खंडपीठ अंतरण जमीन मंजूर कर आज केजरीवाल को जेल रो छाड़ मिल पारे बोली जाना पड़ी। केजरीवाल को जमीन प्रदान निष्पत्ति को दल पक्षर स्वागत करा जाई। मार्च 21 तारीख में दिल्ली मद नीति प्रस्तुति में होता दुर्नीति मामलें केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय गिरफ कर। We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day, as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say during. While he is out in these 20-22 days, any further aspect we'll have to see the order and then only comment. So, when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. जिस बात का इंतजार कर रहा था, लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है। इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से तीन तीन बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है।